कांग्रेस आलाकमान में मचे घमासान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते कांग्रेस को खत्म नहीं किया। अब कांग्रेस खुद ही खत्म हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस विनाश की ओर है। देखिए, कांग्रेस अब अंतिम दौर में चल रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है और कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है पूरी तरह दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस में जो स्थिति है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाए, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में आपने गोहद का मामला भी सुन लिया, जो एक ज्वलंत मुद्दा था, गोहद की पेयजल की योजना की 110 करोड़ की, मऊ की नहर योजना की 25 करोड़ की, दोनों की स्वीकृति दी गई है शिवराज सिंह जी के द्वारा। और इसी तरह हर क्षेत्र में विकास और प्रगति का एक नया आयाम हम लोग छेड़ेंगे। यही मेरे जीवन की मंशा है और जीवन की लक्ष्य है। ना कुर्सी से और ना पद से मुझे कभी मोह रहा है। आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं क्योंकि आप लोग ग्वालियर के हैं, और सदैव विकास और प्रगति हो यही एकमात्र लक्ष्य मेरा सदैव रहा है। जहां नाइंसाफी हो, जहां वादा खिलाफी हो और जहां भ्रष्टाचार हो, वहां झंडा उठाकर सदैव मैं सड़क पे रहूंगा। अब अधा पतन की ओर है, विनाश की तरफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता। 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं, युवराज, कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। यहाँ सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो बोली, ये भी भाजपा से मिले हुए हैं। अब ऐसी पार्टी जो सच सुन नहीं सकती, सच बोलने वालों को गद्दार कहती है, तलवा चाटने वालों को वफादार कहती है, उस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां हर 2 साल में अध्यक्ष बदल जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है, और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं।